अब देसी खाना खा रहे हो तो देसी तो बनना ही पड़ेगा ना फिर। मटन चिकन सब क्वालिटी वाला है, इसलिए हर आदमी क्वालिटी मांगता है और टेस्ट मांगता है। पीस बहुत साफ है और शाही जीरा है, लहसुन कटा हुआ, ये कलेजी है। क्योक्स बनाते थे मॉल्स में, वो क्योक्स बनती थी ब्लैक मनी आती थी उसके अंदर, तो नोटबंदी के बाद में सारा ब्लैक मनी खत्म हो गया। तो फिर यार दोस्तों ने कहा कि यार एक बार ट्राई करके तो देख नॉन वेज का, ट्राई किया तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। बिल्कुल गरम गरम है, धुआं निकल रहा है, सर्दी का टाइम है, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसको अगर ऐसे खाऊंगा तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। अपने यहाँ पे स्पेशल सिरी और पाए का भी ऑर्डर बुक किए जाते हैं, देसी मुर्गा स्पेशल है वो लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये है टोंक रोड और आज मैं आया हूँ रियल राजपुताना। तो ये है स्पेशल देसी नॉनवेज और ये है, तो यहाँ पर आज हम आए हैं और यहाँ पर आज हम खाएंगे एक मटन डिश। तो वो क्या मटन डिश होगी, आइए अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं। बना क्या रहे हैं वैसे आप? कीमा कलेजी, मटन कीमा कलेजी, इसमें सरसों का तेल। सिक्स के जी सरसों का तेल ये पकाया हुआ है कि आप पकाएंगे? नहीं पकाएंगे इसको, शुरू से इतनी बनाते आ रहे हैं। 3-4 किलो बनाते थे, फिर लोगों ने पसंद किया इसको। कीमा कलेजी बहुत कम लोग देते हैं। हाँ कीमा कलेजी बनाते भी रेस्टोरेंट वाले बहुत कम है, अपनी स्पेशल कीमा कलेजी है। स्पेशल इसके अंदर टेस्ट ही स्पेशल है, बहुत टेस्टी है। मतलब 1400 ग्राम 1.25 किलो तेल डालेंगे, उसमें जीरा डालेंगे, तेज पत्ता, गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, हाँ साबुत वाले, काले इलायची डोडा है, लौंग है, काली मिर्च है, हरी वाली इलायची है और शाही जीरा है। फिर इसके बाद में इसमें जिंजर कटी हुई जिंजर डालेंगे, अदरक कटी हुई, लहसुन कटा हुआ और ये हरी मिर्च कटी हुई। के अंदर अपन कटे हुए प्याज और टमाटर, सबसे पहले प्याज डालेंगे फिर टमाटर बाद में डालेंगे इसमें। मतलब आप कितने ढंग से कर रहे हैं? मेरे को वैसे बनाते हुए तो 30 साल हो गए, पहले तो यार दोस्तों को खिलाते थे बस बना बना करके, 25-30 साल से। तो अपने राजपूतों में चलता है यार। हाँ बस कोई तो लोगों को खिलाया तो लोगों ने कहा कि यार टेस्ट बढ़िया है, चालू कर लो इसको रेस्टोरेंट को। फिर मैंने रेस्टोरेंट को चालू किया, इसको अभी 2 साल ही हुए, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन इतना रिस्पॉन्स है कि पूछो मत। आप नाम हो गया अपने जयपुर में, क्या बाहर के भी लोग आते हैं अपने पास, काफ़ी नाम है। एक तो बिल्कुल क्वालिटी स्पेशल दे रहे हैं, दूसरा उनको जो घर जैसा टेस्ट है वो घर जैसा टेस्ट हर कोई नहीं दे पाता, इसलिए रिपीट होता है। जो दूसरे रेस्टोरेंट है उनमें मीठी मीठी ग्रेवी बनती है, अपने बिल्कुल चटपटी और घर जैसी ग्रेवी मिलती है। मटन चिकन सब क्वालिटी वाला है, इसलिए हर आदमी क्वालिटी मांगता है और टेस्ट मांगता है। ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है। इसमें ये काला काला क्या है? काला काला इसमें ये साबुत गरम मसाला डाला हुआ पिसा हुआ। अच्छा ये है अपना कीमा, कीमा और कलेजी। हाँ कीमा कलेजी, हाँ इसमें ये डालेंगे नमक, पहले नमक डाल रहे हैं, फिर हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर। आपने कितनी क्वांटिटी बताई थी अपन बना रहे? 6 kg। ये धनिया पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, धनिया की क्वांटिटी ज्यादा रखी है अपन ने ना। और ये पानी तो अपन ने, आपने ये जो किस प्रपोर्शन में डाले हैं ये मसाले और ये सारी चीज़ें? 6 किलो कीमा कलेजी के हिसाब से डाले गए हैं ये मसाले और ये। अच्छा। करीबन 100 ग्राम अदरक थी, 100 ग्राम लहसुन थे और करीबन 50-50 ग्राम मिर्ची थी और हल्दी। धनिया अपन ने कितना डाला? धनिया अपन ने 50 ग्राम लगभग। इसको मिक्स कर लेंगे अब सबको।
क्योंकि ये प्याज अब बिल्कुल सुनहरे रंग के हो गए हैं, मतलब ब्राउन कलर हो गया है इनका प्याज का। इसके अंदर ये डालेंगे, पेस्ट डालेंगे, मसाले का पेस्ट डालेंगे। अब अपन इस मसाले को कितनी देर पकाने वाले? इसको करीबन 15 मिनट। 15 मिनट अब पकेगा। हाँ, ये पकेगा। पहले हमारा काम था इंटीरियर काम था, कियोस्क बनाते थे मॉल्स में, तो नोटबंदी के बाद में सारा ब्लैक मनी खत्म हो गया, उसके बाद में काम रहा नहीं। तो फिर यार दोस्तों ने कहा कि यार एक बार ट्राई करके तो देख नॉन वेज का, फिर ट्राई किया तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। फिर अब ये टमाटर डालेंगे इसमें। ये टमाटर कितना था? टमाटर करीबन था आधा किलो। इतने ही आधा किलो अपन ने प्याज डाले? हाँ, इतने ही। टमाटर को भी करीबन 10 मिनट तक अपन फ्राई करेंगे टमाटर को। ओवरऑल ये कितनी देर में बन जाता है? करीबन 1 घंटा लगता है। अपन मटन कौन सा यूज़ कर रहे हैं? अपन करीबन 40 किलो मटन बनाते हैं रोज, और चिकन बनाते हैं करीबन 35 किलो 30-35 किलो, और फिर कीमा कलेजी हो जाती है 6 किलो, कीमा कलेजी होती है, जंगली मांस हो जाता है 8-9 किलो, और वाइट चिकन हो जाता है 5 किलो, फिश करी हो जाती है 6-7 किलो रोज। कलेजी डालेंगे इसमें मेरे को भी थोड़ा, तो कीमा कलेजी अब डाल रहे हैं अपन। हाँ, हमको कुछ 15 मिनट हमने पकाया है ये। हाँ, उसके बाद हम कीमा कलेजी डाल रहे हैं। पीस बहुत साफ है इसके। क्या बात है, बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी हो जाती होगी इसके ना। बिल्कुल। अब करीबन 1 घंटा पकेगा ये। अब इसको छेड़ना ही नहीं, बस ढकते रखना है। बस ढकते हैं। खुशबू तो खैर आ गई मसालों की। One hour later. तो ये अब हमको लगभग 45 मिनट्स हो चुके हैं। और ये अपनी रंगत ले चुका है ना। और कितना समय आपको लगता है कि इसको? 15-20 मिनट लगेगा। 15-20 मिनट बन जाएगा। ये पूरा पानी सूखना चाहिए तब बनेगा ये ना। Later. तो अभी कितना समय हो गया अंकल? आधा घंटा तो हो गया होगा। हाँ, आधा घंटा। और ये अपनी रंगत ले चुका है ना। अब ये कीमा कलेजी बन के तैयार हो गई है। अच्छा, बन गई। इसके ये देखो, बनने का ये है कि ऊपर ऑयल आने लग जाता है। अच्छा, ऑयल आ गया है, मतलब पक गया है पूरा, ऑयल ऊपर आ गया है। हाँ, ऊपर आ गया। तो ये है मतलब। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे। अच्छा, लास्ट मतलब हरा धनिया आप डालेंगे इसमें? बस ये लास्ट, ये डल गया हरा धनिया ऊपर से। बस ये रेडी है, मतलब ऐसा तो नहीं कि इसको और 5-10 मिनट? नहीं, अब कुछ नहीं, अब कुछ रेडी है बिल्कुल। तो अभी ये अंकल जी ने प्रिपेयर किया था, और जी जी के फादर है वो, राइट? बिल्कुल। ओके, तो सर्व आप करके दे रहे हो मुझे आप। थैंक यू। तो ये है हमारी कीमा कलेजियाँ, बहुत ही बढ़िया है। ये है, देख सकते हो दोस्तों, मतलब ये है कीमा कलेजी, और ये आती है इसकी, और बिल्कुल ये आप जो बर्तन यूज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो पत्तल? पत्तल एकदम, है ना? मतलब लेकिन थोड़ा सा ये हाइजीनिटी अच्छी है इसकी, डबल सही है पत्तल। वैसे पत्तल में खाना ज्यादा एकदम हाइजीनिक चीज है, देखिए आप भी जानते हैं कि रेस्टोरेंट्स में कभी भी बर्तन साफ नहीं होते, आप सिर्फ घर में ही कर सकते हैं साफ वो तो एक साथ निकाला और हो गया, ये सबसे हाइजीनिक चीज है। सही बात है जी, और इसी में खाना चाहिए वैसे। बिल्कुल, इसी में खाना, पुराने जमाने में भी इसी में खाया जाता था। अब रेस्टोरेंट देसी खाना खा रहे हो तो देसी तो बनना ही पड़ेगा ना। दोस्तों, ये हमारी थाली लग चुकी है, ये है कीमा कलेजी जो कि आज हमने बनवाया है अंकल जी से स्पेशली, हालांकि बहुत ही सही है, और ये मेरा पहली बार है जिसमें मैं आपको कीमा कलेजी रेसिपी दिखाई है, और अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा, मेरा नाम है आशीष, और आज मैं फिर एक नई टेस्ट की तलाश में यहाँ आ गया हूँ। एड्रेस में अभी आपको बताता हूँ, ये है द रियल राजपुताना, और ये मैंने अपनी थाली लगवाई है, और अभी आपने पूरी प्रिपरेशन देखी थी इसकी, और ये है कीमा कलेजी रेसिपी। कीमा कलेजी है, और अब आप देख सकते हो इसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखो कितनी खूबसूरती से इन्होंने पत्तल में दिया है, ताकि
आप कहीं पे भी जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको साफ बर्तन मिलते हैं। तो ये देखो, ये है डिटेलिंग इसकी, बिल्कुल गरम गरम है, धुआं निकल रहा है, सर्दी का टाइम है। और बिल्कुल देखो, खड़े मसाले इसमें है, और उसके अलावा ये कीमा, ये जो कलेजी का पीस है, और ये जो कीमा इसमें ग्रेवी में जस्प हो गया है बिल्कुल। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है मुझे। तो अब मैं ये बिल्कुल तवे पे बनी हुई बिना चिपड़ी हुई रोटी, जब आप ऐसी चीज़ खाओ ना तो घी या तेल ना लगाओ, ज़्यादा बेहतर है। अब ये देखिए, ये है डिटेलिंग इसकी, ये देखो, ये है एक निवाला। आगे देखते हैं, देखो मैं वैसे एक बात बताता हूँ, इवन मैं कन्फेस करना चाह रहा हूँ एक चीज़ कि कलेजी जो है वो मैं पर्सनली बहुत कम खाता हूँ या पसंद कम करता हूँ, लेकिन ये कीमा के साथ में जब कलेजी बनी है और जो ये खड़े मसाले, बहुत सही टेस्ट दे रहे हैं, बहुत सही। इस तरह से खाएं अपने राजस्थानी स्टाइल से तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसको अगर ऐसे खाऊंगा तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। थोड़ा इसमें डाल देता हूँ मैं, और इसको ना इस तरह से बिल्कुल चूर के खाता हूँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे आप लोगों को पता होगा कि मुझे चीज़ें जो है ना वो राजस्थानी स्टाइल से चूर के खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो अब आप देखो, ये है कलेजी, ये कलेजी का पीस है, और ये देखो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पका हुआ है। ये कीमा है इसके ऊपर, चूर लेते हैं अपन थोड़ा सा, और ये इसके ऊपर थोड़ा प्याज डाल देते हैं, थोड़ा सा और ले लेता हूँ। वाह यार, अब मज़ा आएगा। तो ये एक निवाला, बहुत जगह अपन ने खाया है, अपन ने कीमा कलेजी छोड़ दी थी क्योंकि कीमा कलेजी क्या है, हर जगह आपको मिलती नहीं है, और ज़रूरी नहीं है जिस जगह मिल रही है वहाँ पे टेस्टी मिलती हो, टेस्टी बनती हो। बट ये एक जगह मुझे किसी ने सजेस्ट की थी, मेरे एक व्यूअर ने, और मैं यहाँ आज आ गया। सबसे पहले मैं यहाँ आके कीमा कलेजी शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये रेसिपी एक ऐसी रेसिपी जो मैंने इससे पहले नहीं की, और खा करके सीरियसली ये मेरी फेवरेट वाली लिस्ट में आने वाली है। बहुत ही बढ़िया क्वांटिटी भी अगर आप देखोगे तो ये बहुत सही क्वांटिटी दी है। इनका जो धोना है वो जो नॉर्मली धोने आते हैं उससे थोड़ा बड़ा ही, धोने की और पत्तल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बात करूँ अगर अब मैं इस थाली की प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है, ये जो धोना आप देख रहे हो, क्वांटिटी बहुत सफिशिएंट है अगर आप दो जने भी खा रहे हो तो, ये 350 रुपये का है। रोटी का इनका जो है वो 10 रुपये प्रति रोटी है। तो मैं मानता हूँ अगर आपको बहुत भूख लगी है तो एक आदमी भी ख़त्म कर सकता है, जिस तरह से इसका टेस्ट है, अब मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको कर लेता हूँ ख़त्म, और आप प्लान करो यहाँ आने के लिए, एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जो इसकी रेटिंग होगी वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, और इसकी रेटिंग ना बिल्कुल यही होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो अंकल इसका एड्रेस एक बार आप बता देते अच्छे से। द रियल राजपूताना टेस्ट, तारों की कूट, MG बॉर्डर के सामने, सूर्यनगर, टोंक रोड, जयपुर। एक इम्पॉर्टेंट नोट को ये कि मैंने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, आप एक बार वहाँ पर भी, अगर आप ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में जगह और चीज़ों को, टेस्ट को जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आ रही होगी www.virtualbanjara.com, आप इस पर भी जा करके देख सकते हैं। और मैं डिटेल्ड वीडियो दो जगह पर डालता हूँ, यूट्यूब और फेसबुक, वर्चुअल बंजारा के नाम से। चेकआउट और बताइए कि आप को इनमें से कौन सी जगह ज़्यादा पसंद आ रही है। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।